हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थ्री फेज का जो ड्यूल स्टार्टर होता है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डिटेल्स में समझने वाले हैं कि ड्यूल स्टार्टर क्या होता है और ये कैसे वार करता है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये सब आज हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हो ड्यूल स्टार्टर का एक पैनल है, तो आगे की ओर कुछ लगा हुआ है, वोल्ट मीटर, एक अमीटर जो कि थ्री फेज का है, और कुछ किटकट फ्यूज, एक रोटरी ऑन ऑफ स्विच, कुछ पुश बटन। और दोस्तों, पीछे की ओर अगर आप देखोगे तो इसका जो स्टार्टर है वो पीछे की ओर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप डिवाइस देख रहे हो इसे हम बोलते हैं DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम फैन को ऑन करते हैं, डायरेक्ट हम स्विच ऑन करते हैं और हमारा जो फैन है वो ऑन हो जाता है, उसी तरह दोस्तों ये भी क्या करता है, जब भी हम इसको ऑन करते हैं ये क्या करता है कि डायरेक्ट थ्री फेज सप्लाई को डायरेक्ट ये क्या करता है, थ्री फेज मोटर में भेज देता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ सेफ्टी का डिवाइस है, इसलिए हम इसको स्टार्टर भी बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि अपना स्विच काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट थ्री फेज सप्लाई को मोटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है। उसके बीच में कुछ भी नहीं होता है जो कि करेंट को लिमिट कर सके, करेंट को कंट्रोल कर सके, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ये डायरेक्टली थ्री फेज को मोटर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो स्टार्टर होता है ये थोड़ा ऑटोमेटिकली वर्क करता है, ठीक है। ऑटोमेटिक क्या मतलब, अगर दोस्तों इस स्टार्टर के अंदर से हाई एम्पीयर करंट फ्लो होता है, यानी कि मोटर में ज़्यादा लोड पड़ता है या फिर मोटर जो है ज़्यादा हीट होता है, तब क्या होता है कि ये जो स्टार्टर है अपने आप मोटर को ऑफ कर देता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये देखिए पूरा का पूरा एक स्टार्टर है। तो इसके अंदर क्या क्या है, ये जो ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं थर्मल रिले, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पॉइंटर जिसे दिया गया है जिसके मदद से हम यहाँ से इसका जो करेंट है इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो थर्मल रिले होता है इसका काम क्या होता है कि ये मेजर करता है कि मोटर में कितना करेंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हम जितना करंट पर इसको सेट करते हैं, अगर उससे ज़्यादा करंट मोटर पर फ्लो होता है तो ये क्या करता है कि मोटर को ऑफ करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये मोटर को ऑफ नहीं करता है, मोटर को ऑफ करता है कंटैक्टर जो कि नीचे का है, ठीक है। ये मोटर को ऑफ करने में हेल्प करवाता है, यानी कि ये कंटैक्टर को बोलता है कि भाई मोटर में भी ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो मोटर को ऑफ कर दे, ठीक है। तो दोस्तों, थर्मल रिले क्या करता है कि इसके अंदर कुछ बायोमेटल का स्ट्रिप होता है, ठीक है, जो कि इस तरह लगकर रहता है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो जो बायोमेटलिक स्ट्रिप होता है वो हीट होता है, हीट होने के बावजूद क्या होता है कि वो ऊपर से हट जाता है, जिसके वजह से करंट जो फ्लो हो रहा था कंडक्टर पर वो वहाँ से डिसकनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये तो गया एक थर्मल रिले, जहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो मेन सप्लाई आता है, देखिए ये थ्री फेज मेन सप्लाई आया हुआ है, ठीक है। तो ये गया हमारा फ्यूज पर, फ्यूज से निकल कर वोल्टमीटर एंड अमीटर, अमीटर यहाँ पर सीरीज कनेक्शन हुआ है दोस्तों। अमीटर जो होता है ऑलवेज सीरीज में कनेक्शन होता है, और जो वोल्टमीटर होता है ये हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है, ये हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जो थर्मल रिले होता है यहाँ पर हमारा जो मेन सप्लाई होता है वो तीनों फेज यहाँ पर इनपुट होता है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर तीन फेज का इनपुट हुआ है। तो ये तीन फेज निकल कर कहाँ जाता है, ये जो नीचे की ओर आप देख रहे हो ये जो साइड है ये इसे हम बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। कनेक्टर अलग होता है और कंडक्टर अलग होता है। कंडक्टर का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकली एक डिवाइस को ये कनेक्ट करवाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा स्विच काम करता है, हम स्विच को प्रेस करते ऑन होता है, लेकिन दोस्तों कंडक्टर भी स्विच है लेकिन इलेक्ट्रिकली ऑन ऑफ करवाता है, ठीक है। तो थर्मल रिले से सप्लाई आ गया कहाँ पर, कॉन्टैक्टर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टैक्टर पर चार टर्मिनल हैं, तीन जो है ये तीन फेज के लिए, और जो दूसरा टर्मिनल है इससे हम बोलते हैं NC और NO, NC यानी कि नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, ठीक है। दोस्तों, इसके मदद से क्या होता है कि हमारे जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन ऑफ होता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये कॉन्टैक्टर कैसे ऑन ऑफ होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की ओर ये जो देख रहे हो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल है, ठीक है। तो जब भी सप्लाई इस कॉयल के अंदर आता है, ये कॉयल क्या होता है कि मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेट होने के बावजूद क्या होता है कि यहाँ पर एक मेटल लगा हुआ है वो क्या करता है कि इसको ऊपर की ओर खींच लेता है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक मेटेरियल को अपनी ओर
अट्रैक्ट करता है, यानी कि अपने ओर खींचता है। तो जब भी ये ऊपर जाता है दोस्तों, देखिए जब ये ऊपर जाता है ऊपर की ओर, ये वाला जो पॉइंट है अंदर की ओर, देखिए कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट अंदर आप देख सकते हो, कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर है अंदर की ओर है, ठीक है दोस्तों। जब ये ऊपर उठता है तो आपस में क्या होता है कि कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मोटर का जो सप्लाई ये वाला है और जो इनपुट सप्लाई है ये क्या होता है कि आपस में कनेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से मोटर को डायरेक्ट सप्लाई मिलता है और जो मोटर है ये अपने आप ऑन हो जाता है। तो दोस्तों इसको ऑन करने के लिए क्या होता है कि हमें कुछ पावर स्विच का हम यूज करते हैं। यहाँ पर दो पुश बटन होता है, एक ऑन के लिए और एक ऑफ के लिए, ठीक है। तो जब भी हम ऑन वाला स्विच को प्रेस करते हैं तब क्या होता है कि ये पीछे की ओर जो मैग्नेटिक कॉयल होता है ये एनर्जाइज होता है, जिसके वजह से इस कॉन्टैक्ट पॉइंट का ये ऊपर खींच लेता है। खींचते ही अंदर की ओर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये आपस में जुड़ जाता है, जुड़ जाने की वजह से जो थ्री फेज सप्लाई है ये मोटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों हमने तो स्विच को प्रेस कर दिया, जब हमने प्रेस कर दिया उसके बाद हम छोड़ देते हैं तो ये स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन दोस्तों जो कॉन्टैक्टर होता है ये ऑन रहता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हम जब भी कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं तब ये ऊपर उठता है, ऊपर उठने की वजह से क्या होता है कि जो सप्लाई स्विच से होते हुए इस कॉयल की ओर आ रहा था वो सप्लाई अभी कहाँ से आता है, ये जो नॉर्मली ओपन वाला जो पॉइंट होता है ना यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट अभी चलता है कहाँ पर, कॉयल पर। तब क्या होता है कि कॉयल को डायरेक्ट सप्लाई मिलता रहता है और कॉयल जाइए ऑन रहता है। तो जब भी हम फिर से जो ऑफ वाला बटन है उसको हम प्रेस कर देंगे तो वहाँ से सप्लाई स्विच होते हुए आता होगा यहाँ पर, तो जब भी हम उसको प्रेस करेंगे तो वो स्विच क्या करेगा, सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देगा, जिसके वजह से यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगा और ये जो कॉयल था मैग्नेटिक का कॉयल ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। होने के बावजूद क्या होगा, ये जो कनेक्ट पॉइंट ऊपर उठ के था ये नीचे आ जाएगा, जिसके वजह से मोटर जो है हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों उसी तरह अगर मोटर में ज़्यादा करंट फ्लो होता है या फिर ओवरहीट होता है या फिर ओवरलोडेड होता है मोटर, ठीक है, जो भी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मोटर में ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो उसको डिटेक्ट कौन करेगा, ये जो थर्मल रिले, यहाँ पर हम पहले से ही करंट को सेट करके रखे हुए हैं कि कितना करंट पर हमारा मोटर सेफली चल सकता है, ठीक है। तो हमने जितना करंट यहाँ पर सेट किया हुआ है अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो जो थर्मल रिले होता है ये क्या करता है कि जो कि सप्लाई इस कॉयल की ओर आ रहा था उस सप्लाई को क्या करता है कि ये बंद कर देता है, ठीक है। यानी कि जो सप्लाई इस कॉयल को आ रहा था जिसके वजह से कॉयल एनर्जाइज हो रहा था उसी सप्लाई को थर्मल रिले क्या करता है कि ऑफ कर देता है, यानी कि इसके पास नहीं छोड़ता है, जिसके वजह से ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज होने के बावजूद क्या होता है ये जो पॉइंट है ऊपर की ओर था ये नीचे आ जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो मोटर है ये ऑफ हो जाता है, ठीक है, और हमारा जो मोटर है वो ओवर करेंट ओवरहीट से बच जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो कि ड्यूल स्टार्टर होता है वो कुछ इस तरह से वर्क करता है दोस्तों। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस जैसे कि हम नॉर्मली अपने फैन या लाइट को ऑन ऑफ करते हैं उसी तरह ये भी ऑन ऑफ होता है, ठीक है। बस इसमें कुछ ज़्यादा क्या है, ये एक थर्मल रिले जो कि ज़्यादा करंट फ्लो होने पर मोटर को ऑफ करवा देता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास ड्यूल स्टार्टर नहीं है या फिर आपका ड्यूल स्टार्टर ख़राब हो गया है तो दोस्तों आप डायरेक्टली की मोटर को चला सकते हो। दोस्तों जो कि ड्यूल स्टार्टर है हम अप टू 5 HP मोटर तक यूज कर सकते हैं, अगर मोटर उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर ड्यूल स्टार्टर यूज करना खतरनाक साबित हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका मोटर कम HP का है तभी आप वहाँ पर ड्यूल स्टार्टर का यूज कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था हमारा ड्यूल स्टार्टर के ऊपर वीडियो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर अलग सा और एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे एक व्यूअर से मुझे कमेंट किया था तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।